नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से कोरोना के नए मामले घटकर 30,000 के नीचे आ गए हैं। कोरोना के मामलों को लेकर चिंता बनी हुई है। तीसरी लहर का खतरा अभी भी टला नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 28,326 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 260 कोरोना मरीजों की जान गई है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,36,52,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से अब तक 4,46,918 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक 3,29,02,351 लोग रिकवर होने में सफल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 26,032 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। देश में अब 3,03,476 सक्रिय मामले हैं, जिनका इलाज जारी है। कोरोना के दैनिक मामलों में केरल का योगदान अभी भी सबसे ज़्यादा है। केरल में सबसे ज़्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में राज्य में नए केसों में कमी जरूर दर्ज की गई है। केरल में शनिवार को कोविड-19 के 16,671 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 120 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 40,13,964 पहुँच गई है, जबकि मृतकों की संख्या भी बढ़कर 24,248 हो गई है। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र में 3,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को 3,276 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 58 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही राज्य में अब तक 65,00,000 से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,38,834 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में शनिवार को 1,724 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। बीते दिन यहां 22 और मरीजों ने जान गंवा दी। मिजोरम में कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। यहां शनिवार को 1,478 नए संक्रमित दर्ज किए गए हैं। इसी तरह कर्नाटक में बीते दिन 787 नए कोरोना केस रिपोर्ट किए गए, जबकि 11 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा असम में 375 और पश्चिम बंगाल में शनिवार को 762 नए कोरोना मामले सामने आए। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। 23 सितंबर तक देश भर में 85,60,81,527 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन यानी शनिवार को 68,42,000 टीके लगाए गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।